नमस्कार, मैं आयुषी शर्मा आपका स्वागत करती हूं केकेआर न्यूज़ में। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। डॉक्टर करिश्मा प्रधान का कहना है कि सबसे बड़ी समस्या लॉकडाउन जल्दबाजी में हुआ यह है। पहले नीति बनाई जानी चाहिए थी, फिर लॉकडाउन लगना चाहिए था। कोरोना के अलावा भी बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनका रोज उपचार होना ज़रूरी है, लेकिन डॉक्टर होने के नाते मैं ये दो बातें कहना चाहूँगी। पहली ये कि मरीज हॉस्पिटल में जाने से डर रहा है, और दूसरी बात अगर कोई इलाज के लिए जा भी रहा है तो उसका इलाज सही से नहीं हो पा रहा। लॉकडाउन के दौरान कोरोना के अलावा कोई भी इलाज नहीं हो पा रहा है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। दांत का दर्द हो, पेट का दर्द हो, कि कोई भी दर्द हो, और सरकारी हॉस्पिटल में तो टोटल बंद है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये लॉकडाउन बहुत अनप्लान्ड हुआ। एक डॉक्टर होने के नाते मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ रूल्स या कुछ ऐसी नीतियाँ बनाई जानी चाहिए थी पहले ही, ये जानते हुए कि ज़रूरी नहीं है कि मरीज को सिर्फ कोरोना हो सकता है उसे कोई भी बीमारी हो सकता है कोई और हो सकता क्या, बहुत से लोग हैं जो कैंसर पेशेंट्स हैं, HIV पेशेंट्स हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, लिवर पेशेंट्स हैं। इन सभी मरीजों को रेगुलर इलाज की आवश्यकता होती है, रेगुलर दवाइयाँ लेने की आवश्यकता होती है, ये रेगुलरली जाके दिखाते हैं अस्पतालों में। इस वक्त माहौल ऐसा है, दो बातें मैं आपको कहना चाहूँगी। एक, आदमी डर रहा है जाने में, और दूसरा, जा रहा है तो इलाज मिल भी नहीं रहा है। अगर प्राइवेट में आता है तो उसके खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं जायज तौर पे, तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, कि वो जो भी लोग हैं उनकी परेशानियों को समझे। ऐसी परिस्थिति में जनता से मैं एक बहुत ज़रूरी बात कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखिए, ख़ास तौर पर वो लोग जो बुज़ुर्ग हैं, 10 साल से छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट महिलाएँ हैं, या फिर जो किसी भी बीमारी से ग्रसित हो, फिर चाहे वो बीमारी छोटी हो चाहे बड़ी हो। क्योंकि इस वक्त साधारण सर्दी खांसी भी आदमी को डरा रही है, खौफ पैदा कर रही है कि कहीं कोरोना ना हो जाए। दांत जैसे संबंधित बीमारी है, क्योंकि कोरोना उसी से ज़्यादा मुख से वो करा जा रहा, तो इसमें आप कैसे इलाज कर रहे हैं और कितनी एहतियात हो रही है? देखिए, डेंटल सर्जन्स एकमात्र मैं कहूँगी ऐसे मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं जिनका सबसे क्लोज कॉन्टैक्ट होगा मरीज के साथ, क्योंकि हम मरीज के मुँह के अंदर काम करते हैं। जायज़ तौर पे जब हम उसके मुंह के अंदर काम कर रहे हैं तो वो मास्क नहीं लगाए होते हैं जिस वक्त हम काम करते हैं। इस दौरान 2-3 बहुत अच्छे तरीके हैं। एक है कि डॉक्टर हमेशा अपना प्रोटेक्शन सही रखने के लिए PPE किट पहने, मास्क लगाएं, N95 हम लोग सभी लोग लगा रहे हैं, अपने गॉगल्स पहने और उसके ऊपर शील्ड लगाएं। ये हो गया अपना प्रोटेक्शन। इसके बाद एक प्रोटेक्शन है मरीज़ का। उसके लिए ज़रूरी है कि आप मरीज़ को आते ही सबसे पहले सैनिटाइज़ करें, अपने क्लिनिक को सैनिटाइज रखें, फ्यूमिगेटेड रखें। कुछ मशीनें आती हैं, कुछ केमिकल्स आते हैं जिनसे आप सफाई कर सकते हैं, और ये कोशिश कर सकते हैं कि मरीज़ में इन्फेक्शन ना जाए। जैसे हम मरीज़ के आते ही सैनिटाइजेशन किट देते हैं, उस किट को हम कोशिश करते हैं कि हमारा मरीज़ जब यहाँ मौजूद रहे तब वो अपने आप को सैनिटाइज रख पाए, उस किट की मदद से हाथ सैनिटाइज रखे, बाल ढके रहें, और हाथों में हमेशा उनके ग्लव्स हों, भले प्लास्टिक ग्लव्स हों। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि हमारी अपनी तरफ से कोशिश है कि डॉक्टर भी प्रोटेक्टेड रहे और मरीज भी। तो इसका इलाज भी थोड़ा सा महंगा होगा कि उसी जो आप पहले फीस में कार्य कर रहे थे उसी में दे रहे हैं? देखिए, डेंटिस्ट के लिए तो हमेशा ही एक समस्या ये रही है कि हमारे खास तौर पे हमारे भारत देश में डेंटिस्ट को एक सेकेंड कैटेगरी ऑफ डॉक्टर्स के तौर पर देखा गया है। तो ये बात जायज़ रही है कि हमेशा मरीज आके हमसे मोल भाव करते आए हैं। अब उस मोल भाव के रहते और साथ में, क्योंकि सरकारी नौकरियां नहीं है डेंटिस्ट के लिए, मैं बहुत बार आवाज़ भी उठा चुकी हूँ इस सिलसिले में कि जहाँ डेंटिस्ट को भी गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अब प्राइवेट कॉलेजेस बहुत हैं, बहुत डेंटिस्ट हैं, बहुत क्लिनिक्स हैं, तो मोल भाव भी बहुत होता है। अब PPE किट भी आ गया, तो जैसी बात है हमें थोड़े बहुत रेट्स बढ़ाने पड़ सकते हैं, लेकिन साथ में ये बात मरीजों को भी समझनी चाहिए कि जहाँ बाल काटने वाले ने 50 रुपये से अपने नाई ने 150 कर दिए, तो हमारा तो जायज़ है कि हम 100, 200, 500 रुपये बढ़ा सकते हैं अपने। क्या प्रशासन से आपको PPE किट उपलब्ध नहीं हो रही है? नहीं, कोई हमें किसी प्रकार की कोई सहायता प्रशासन से नहीं हुई है, और मुझे लगता है ऐसा कोई प्राइवेट डॉक्टर नहीं होगा जिसको उपलब्ध कराई गई हो। मेरी गुजारिश है प्रशासन से कि आप लोग डॉक्टर्स जो कि बाकी मरीजों का ध्यान रख रहे हैं, आपकी बाकी जनता का ध्यान रख रहे हैं, उनका प्लीज़ ध्यान रखिए। हम लोगों पे थोड़ा सा किसी भी तरह में सब्सिडी, आप कुछ नहीं, आप नहीं प्रोवाइड करा सकते तो आप किट्स पे सब्सिडी दे दीजिए,
या हमें आज इतना इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है कोविड को देखते हुए, उसके लिए कुछ सब्सिडी प्रोवाइड कर दीजिए या कुछ चीज़ें आप अपनी तरफ से हमें यदि करवा पाएँ तो हम बहुत शुक्रगुजार होंगे।